वलिया बैलोन में एनआरसी सीएए के विरोध में जुटे हजारों लोग। कदवा एनआरसी व सीएए के विरोध में आज रविवार को मोहम्मद रागिब के नेतृत्व में कदवा प्रखंड क्षेत्र के बघबा कालिदास मदन चौक से चंदन निस्ता पंचायत होते हुए बलिया बैलोन बाजार तक पैदल मार्च निकाल प्रदर्शन किया गया। मार्च में शामिल लोगों ने एनआरसी एवं सीएए कानून को वापस लेने की आवाज बुलंद की। रैली में शामिल लोगों के हाथ में तख्ती पर लिखे बैनर में हमें चाहिए रोजगार नहीं चाहिए एनआरसी, अनेकता में एकता की शान है इसलिए भारत महान है, हमें चाहिए गांधी के अधिकार, हमें चाहिए अंबेडकर का कानून, केंद्र सरकार की मनमानी नहीं चलेगी, यह कानून देश के लिए काला कानून आदि तख्ती में लिखे थे। विरोध मार्च में शामिल लोग लगभग 5 किलोमीटर की रैली कर बलिया बैलोन स्थित उच्च विद्यालय मैदान में एक सभा का आयोजन किया। सभा के दौरान मोहम्मद रागिब सजन ने कहा कि केंद्र सरकार किसी एक जाति को टारगेट कर नागरिकता संशोधन कानून लाई है, इसको लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, जब तक इस काले कानून को वापस नहीं लेते हैं तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि जाति के आधार पर कानून बनाने का हक संविधान में नहीं है, ऐसे में किसी जाति के खिलाफ ऐसा कानून बनाने वाली सरकार को यहाँ की जनता बर्दाश्त नहीं करते हुए सिकों पर उतर आई है। इस मौके पर बैलोन के पूर्व मुखिया शाहिद हुसैन, इजहार आलम इस्माइल, मुखिया मेराज आलम, पैक्स अध्यक्ष तनवीर राही, दिलबर आदि उपस्थित रहे।